हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्राम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रिड लेआउट और फ्लो लेआउट के बारे में। आज हम देखेंगे बॉर्डर लेआउट। और बेसिकली अगर हम बॉर्डर लेआउट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बॉर्डर्स पर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर मीन्स यहाँ तो अगर एप्लेट है तो उसके टॉप पर किसी सेट सेट कर सकते हैं, या राइट पे, या लेफ्ट पे, या फिर डाउन पे। ओके, यहाँ हम चारों तरफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। और लेट्स सपोज हमारे पास में एक लॉगिन फॉर्म है, हमें उसके ऊपर एक बॉर्डर चाहिए और डाउन पे भी चाहिए कि ऊपर लिखा हुआ होम बटन एंड डाउन पे लिखा हुआ हो कॉन्टेक्ट अस। तो अगर हर पेज पे वही चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, उसे पैनल में ऐड करके और उस पैनल को हम अपने टॉप पे, बॉर्डर के टॉप पे शेव कर देंगे। ओके, एंड ऐसे ही हम जो कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा उसे हम डाउन पे शेव कर देंगे। तो ये जो हमारा अप पे, आई मीन अप साइड पे जो हमने पैनल ऐड किया है, इसे ही हम बॉर्डर बोल सकते हैं। कि हमारा जो एकदम लास्ट में एक कॉर्नर्स होता है ना, कि अगर मैं अभी स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन में जो ऊपर वाला ये है इसे हम टॉप बॉर्डर कहेंगे, और जो साइड में हल्की हल्की सी डार्क ब्लैक स्क्रीन आ रही है ये हमारी लेफ्ट बॉर्डर एंड द राइट बॉर्डर एंड दिस इज द डाउन बॉर्डर। ओके, या बॉटम बॉर्डर। ओके गाइज, चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रोग्राम जो अभी तक हमने सारे वीडियोज़ में बनाया है। तो अब हमें बॉर्डर लेआउट का एग्जाम्पल देखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोई सा भी फॉर्म बना लेते हैं और हमें कोई भी चीज़ उसके टॉप पे सेट करनी है। हम पैनल को भी कर सकते हैं, या अभी हम एग्जाम्पल के लिए बटन को देख लेते हैं। बटन B1। ओके, एंड बटन को, जो बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, B1 इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले टेक्स्ट जो हमें डिस्प्ले करना है, इट कुड बी ए या होम पेज, डजेंट मैटर। ओके, और इसे ऐड कर देंगे अपने फॉर्म पे। उस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। पहले डेस्कटॉप पे शिव है जावा सी एप्लेट डेमो डॉट जावा। ओके, एंड नाउ एप्लेट व्यूअर एप्लेट डेमो डॉट जावा। ओके, तो हमारे पास में ये एप्लेट है, इसके ऊपर एक बटन ऐड हुआ है होम, राइट। अब हमें इस होम को पूरे इसके टॉप पे शो करना है एज अ बॉर्डर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका लेआउट है उसे हम बॉर्डर लेआउट पे सेट कर देंगे। ओके, जो भी फ्लो लेआउट पे सेट होगा, तो सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट। ओके गाइज, नो आई डोंट वांट टू परचेज यू। और हमें करना क्या है, एक चीज और करना है कि ये जो हम B1 ले रहे हैं, इससे पहले जब हम बॉर्डर लेआउट सेट करते हैं तो यहाँ हम दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम एक आर्गुमेंट और पास करेंगे। अगर हमें टॉप पे कोई भी चीज़ सेट करनी है तो हम लिखते हैं नॉर्थ। ओके, रन करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो बॉर्डर था, जो हमारा बटन था, वो हमारा टॉप बॉर्डर पे सेट हो गया है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये हमारा आई थिंक या वेस्ट बॉर्डर होगा। ओके, वेस्ट साइड में बॉर्डर होगा, ये नॉर्थ लिखा है वहाँ हम वेस्ट लिखेंगे WST। एंड अगर हम इस साइड की बात करें तो ईस्ट, अगर इस साइड डाउन बॉर्डर की बात करें तो साउथ, साउथ या साउथ होगा। ओके गाइज, तो इसे बंद कर देते हैं और बॉर्डर सेट कर देखते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अनदर बटन, ओके, बिफोर तक। अब हमें यहाँ पे लेट्स सपोज इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। B1 इक्वल टू न्यू बटन, सो हेयर विल बी द B2 न्यू बटन, एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्थ वी विल साउथ। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डाउन बॉर्डर।
देखिए गाइस, ओप्स, या हमने b1 को ऐड कर लिया, यहाँ पे b2 को ऐड करना था। ओके, अगेन कंपाइल करते हैं। तो ये जो हमारा टॉप बॉर्डर है और ये हमारा डाउन बॉर्डर है। ओके गाइस, अगर लेफ्ट एंड राइट पे करना है तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ईस्ट एंड वेस्ट का यूज़ करेंगे। चलिए इसे भी कर ही लेते हैं। B3 this is first W West and it will be B3. Okay, B4. डिस्प्ले टेक्स्ट ले लेते हैं ई, और इसे ले लेंगे ईस्ट। और इसे रन करेंगे एप्लेट व्यू पर। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर भी बिफोर लिखना था, जल्दबाजी में लिखना भूल गए। एंड रन इट, कंपाइल इट, और खुशखबरी है, एप्लेट नॉट इनिशियलाइज्ड। आई थिंक देयर इज एन एरर। ओके, तो स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, वेस्ट के बाद में जीरो पुट हो गया है। जावा सी एंड एप्लेट व्यूअर, और देखिए हमारे पास में चारों तरफ बॉर्डर सेट हो गया है। इस तरफ डब्ल्यू बटन है, इस तरफ ई बटन है, नीचे डाउन बॉर्डर बटन है, ऊपर होम बटन है, राइट। और अगर हमें कोई चीज़ सपोज इसके बीच में सेट करनी है, कोई पैनल है या और हमारे फॉर्म की डिज़ाइनिंग है, तो हम यहाँ ईस्ट की जगह पे सेंटर लिख देंगे। सपोज अगर हमारे बीच में टेक्स्ट फील्ड ही है, हमने लिया टेक्स्ट फील्ड T1, तो यहाँ आ जाएगा T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, साइज विल बी 20, और ऐड करेंगे T1। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसे सेंटर पर ऐड करना है, तो हम आर्गुमेंट पास करेंगे सेंटर और कॉमा लगा देंगे। और यहाँ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जावा सी एप्लेट व्यूअर, और देखिए गाइस यहाँ टेक्स्ट फील्ड जो हमारा सेंटर पे आ गया। अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं इस पर, दिस इज इंडस्ट्री थियर, या कुछ भी जब हम चाहें। ओके, तो हमने यहाँ बॉर्डर देख ली कि बॉर्डर लेआउट का मतलब क्या और कैसे हम बॉर्डर्स को सेट करते हैं। हम इसकी जगह कोई पैनल यूज़ कर सकते हैं, पहले बताया था मैंने, या इनकी जगह पे और कोई पैनल यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कार्ड लेआउट। ओके गाइज, एंड बाय, गुड नाइट।